हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज है संडे, तो आज संडे को बनाओ चाय पकौड़ी। और ये देखिए छुटकी हमारी उठ आई है। ये देखिए क्या हो गए नैना, इसका नाम रख दिया है हमने नैना। इसका नाम वैसे चेष्टा है। क्या हुआ सर में, जू हो गए हैं? कितने सारे हो गए हैं जू? हाँ हाथों से बताओ कितने हो गए हैं, कितने हाथ से बताओ समर के फोन की तरफ देखकर, कितने सारे हो गए हैं? इतने बहुत ज्यादा काट रहे हैं। ओहो कितने सारे हो गए हैं इसमें बता दो। हाँ इतने सारे हो गए हैं। ओहो तो इसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ चाय पकौड़ी बनाने के लिए, और बच्चे अभी लेटे हुए हैं, तब तक बना लूँ मैं। मैंने चूल्हा जला दिया है, अब मैं इस पे रखूंगी सबसे पहले चाय बनने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, तभी बनेगी हमारी चाय। अब पड़ेगा थोड़ा सा नमक और चाय पत्ती। अदरक तो है नहीं जो अदरक डालूं इसमें। कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो बता दो कैसे कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप भी बताओ आपको पकौड़ी कैसी लगती है खाने में। बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद है, अब मुझको भी कुल मिला के बहुत अच्छी लगती है। अब मैं बना रही हूँ चाय पकौड़ी, और आज तो मेरा पेट भर जाएगा इस चाय से ही। आज है संडे, और आज संडे के दिन मुझे इतना ज्यादा काम पड़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो आपके भाई हैं उनके फूफा जी खत्म हो गए हैं। मम्मी तो वहाँ पर रुक गई थी, मम्मी जी मतलब सासू हूँ मेरी, और मुझे आज तो गोबर, जानवरों का गोबर है जो, वो भी डालना है आज। अब जा रही हूँ आलू धुलने के लिए। डालूंगी चाय में, आज तो दूध की चाय बनेगी। बच्चे ले आए थे सर संडे के चक्कर से, सब डाल दूं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं मैदा छान रही हूँ। और इसको नहीं छानूंगी, छना हुआ है बेसन। कभी चाय गिरा बोल अब डालूंगी इसमें नमक थोड़ा, मिर्च वगैरह डालूंगी नहीं क्योंकि बच्चे खाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है। ये हमारा रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स चाय हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। देखिए चाय हमारी बन चुकी है, बनेंगी पकौड़ी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। सो फ्रेंड्स अब मैं डालूंगी तेल इसमें। सो फ्रेंड्स मेरी सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को उठाने के लिए। संदीप परी जल्दी आ जाओ, चाय रेडी तैयार है, चाय पकौड़ी फटाक से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आज मेरा गुड्डा आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओफो उठ आया, देखो ये मेरा बाबू उठ आया है, देखो बहुत प्यारा बाबू है मेरा, देखो आहा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरा बच्चो। मम्मी बैठे
कफला काम पहले थोड़ा सा पानी सेक लूं बच्चे तो खाते नहीं है धनिया वाली पकौड़ी। अब मैं थोड़ी सी रह गई हूँ उसमें धनिया डाल के बनाऊंगी। तो जा रही हूँ धनिया लेने के लिए, तब तक जी भर लेंगे पकौड़ी। मैंने छत पे धनिया बो रखा है इसलिए मैं छत पे आई हूँ लेने के लिए। काट लिया है मैंने, जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ले आई मैं धनिया, अब इसे धुलूंगी फिर काटूंगी। फ्रेंड्स ये बैठा ना लड़का, ये नटखट, ये धनिया नहीं खाता है, कहता है घास मत डालना मैं खाऊंगा नहीं, इसे घास बोलता है। देखो कितनी नाक में गुस्सा है इसका, इसका चेहरा दिखाना जरा, देखना देखना देखना, देखो बिल्कुल नाक टेढ़ी कर रखा है, रखी है इसने गुस्से में। देखो इतना ज्यादा ना लायक है, देखो देखो देखो, लेकिन प्यार बहुत करता है अपनी मम्मी से, लेकिन गुस्सा बहुत दिखाता है। अभी हंस जाएगा देखना, ये हंस गया हंस गया हंस गया, देखो 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 हंस गया हंस गया। अरे अरे देखो हंस क्या गया, पकौड़ी खाए ना तेज। आपके भाई भी आ चुके हैं, सुबह सुबह निकल गए थे घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, आ जाइए पकौड़ी खाने के लिए। भाई आज बनी है हमारे घर पकौड़ी। कैसे हो दोस्तों? अच्छे। अरे परी तो खा रही है खाने में, बिल्कुल चालू हो गई परी तो। और क्या बात, संदीप तुम ना खा रहे हो? संदीप भी खाएगा, चाय नहीं है इन पे। चाय ना है के लिए लाओ। चाय पनी। तो दोस्तों ये रही हमारी चाय। वैसे मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, आज पी रहा हूँ क्योंकि आज पकौड़ी बनी है इस वजह से पी रहा हूँ चाय, वरना मैं चाय भी पीता नहीं हूँ। आ जाइए दोस्तों खा लीजिए आप भी चाय पकौड़ी। हेलो और काम करते थे तो आ जाते, गोबर खाने में मुश्किल से बैठा, हिम्मत पड़ती है अब भाव उठ जाए तो चलो भैया गोबर तो मारू कर आया यार। घूम ही नहीं है सो फ्रेंड्स पकौड़ी हमने खा ली है, अब हम जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए। चलो जब तक गोबर वोबर डाल दें, क्योंकि जब तक हम जे उबल रहे हैं आलू तब तक गोबर डाल ले रहे हैं। मम्मी जी है नहीं घर पर, अब मैं इसे लेके जाऊंगी।
भी थोपते हैं। देखो पूनम जी भी गोबर लेकर आ रही हैं और क्योंकि दोस्तों हमारे वैसे तो कहीं जगह वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, कहीं है कि पलंग बहुत दूर है वो जगह, वहाँ पर थोपने में थोड़ी दिक्कत है जी, ले जाने में और उसमें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। बस वजह से दोस्तों हम यहीं अपनी छत पर ही गोबर थोप लेते हैं। उनको तो फ्रेंड्स देखिए हमने गोबर को थोप दिया है, अब जाएंगे नीचे। तो दोस्तों अब मैं देख रही हूँ कि आलू हमारे उगल चुके हैं, हमारे आलू हो चुके हैं। सो दोस्तों मैंने चावल के पानी रख दिया है चावल बनने के लिए, और अब लहसुन और प्याज लेकर आऊंगी। सो दोस्तों जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं मसाला तैयार करती हूँ। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब जा रहे हैं हम चावल धुलने के लिए। चावल मैंने धो लिए, इससे बटूंगी। तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए जब तक चावल बन रहा है तब तक मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स चावल मेरे बन गए, बन चुके हैं। सो फ्रेंड्स जा रहे हैं हम सब्जी बनाने के लिए। देखिए हमारा मसाला देखिए कितना ठीक लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स सब्जी मैंने रख दी है, देखो कितना अच्छा कलर हुआ है इसका, अब इसको ढक देती हूँ। सो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बन चुकी है,
अब हम इसमें डालेंगे धनिया, उसके बाद सब्जी उतार लेंगे। ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखो कितनी क्यूट लग रही है सब्जी देखने में।